नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। में आपके साथ शोभना यादव और मातृभूमि की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से करेंगे। बड़ी खबर बिहार के बेगूसराय से है। बेगूसराय में साइको किलर के अटैक की घटना को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीजीपी एसके सिंघल से बेगूसराय के पूरे मसले की जानकारी ली है। बिहार के डीजीपी को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया गया, जहां नीतीश ने बेगूसराय की घटना को लेकर बात की, पूरा ब्यौरा मांगा। नीतीश कुमार ने डीजीपी से लगभग 55 मिनट तक बात की। साइको किलर जिसने अंधाधुंध फायरिंग की, एक व्यक्ति की मौत, 9 लोग घायल हुए हैं। तो इस साइको किलर केस में डीजीपी को तलब किया गया। मुख्यमंत्री आवास पर डीजीपी पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरा ब्यौरा लिया। जो पुलिसकर्मी जिम्मेदार थे उनको सस्पेंड किया गया। लगभग 55 मिनट तक ये बातचीत चली। जो आगे की रणनीति रहेगी, आगे की जिस तरीके से इस तरीके की हरकतें ना हो, इस तरीके से लोगों को के ऊपर कोई फायरिंग ना करे, इसको लेकर भी चर्चा हुई। तो बेगूसराय साइको किलर केस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीजीपी को तलब किया। शशांक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। शशांक, अपडेट यही है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 9 लोग जख्मी हुए हैं। मुख्यमंत्री आवास पर खुद डीजीपी पहुंचे, उनसे पूरा ब्यौरा लिया मुख्यमंत्री ने, लेकिन अब आगे क्या? मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया है कि सख्त कदम उठाइए, जो भी दोषी है उनको तुरंत पकड़िए। लेकिन आपको एक नया अपडेट बता दूं कि अब तक जो जानकारी आ रही थी कि एक बाइक पे 2 लोग थे, लेकिन जो यहाँ के एसपी हैं बेगूसराय के, उन्होंने साफ कहा है कि 2 बाइक पर टोटल 4 लोग थे। जो पीछे बैठे हुए लोग थे वो लोग फायरिंग कर रहे थे। जो 2 लोग बाइक चला रहे थे उन्होंने चेहरे पे मास्क लगा रखा था। सीसीटीवी फुटेज और कुछ फोटोज के आधार पर हम लोग उनकी तलाश कर रहे हैं। 4 टीम बनाई गई है, जो बेगूसराय से लेकर जो आसपास के जिले हैं, समस्तीपुर हो, बाढ़ हो, वहां पे छापेमारी लगातार की जा रही है एसटीएफ के साथ मिलकर, ताकि उनको पकड़ा जाए। लेकिन अब तक चारों में से कोई पकड़ में नहीं आए हैं। एसपी ने जरूर कहा है कि ये लोग यंग हैं, इतना तो हमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पे दिख रहा है। बछवाड़ा, तेघड़ा, फुलवरिया, चकिया, ये ऐसे थाने हैं जहां पे फायरिंग हुई है। कुल 30 किलोमीटर के दायरे में फायरिंग की गई है, जिसमें 10 लोगों को गोली लगी है, 1 की मौत हुई है, 9 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। बता दें, पुलिस को अभी भी कोई बड़ी कामयाबी यहां पे नहीं मिलती दिख रही है। गश्ती में लापरवाही को लेके जो है 7 गश्ती पदाधिकारियों को निलंबित तत्काल प्रभाव से जरूर किया गया है। बिल्कुल ठीक है शशांक, चिंता यही है, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिंता भी यही है कि ये जो सिर फेरे हैं जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि किसी और इलाके में इसी तरीके से अंधाधुंध फायरिंग करें और किसी मासूम की जान चली जाए। इसीलिए मुख्यमंत्री ने डीजीपी को तलब किया। 55 मिनट तक ये मुलाकात चली। 2 बाइक पर 4 लोग सवार थे। ये पुलिस का इस समय का ताजा अपडेट है। इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। बेगूसराय में अंधाधुंध फायरिंग करने वाले अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। बीजेपी लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह वहां पहुंच चुके हैं और धरने पर बैठ गए हैं। गिरिराज कह रहे हैं कि घटना के लिए सिर्फ नीतीश जिम्मेदार हैं। इस वक्त हम बेगूसराय में हर हर महादेव चौक पर हैं। गिरिराज सिंह यहां पे 20 सड़क पर धरना पर बैठ गए हैं। वजह भी बड़ी है, गोलीबारी हुई है, 10 लोगों को गोली मारा गया है, जिसमें से 1 की मौत हो गई है। पूरा बेगूसराय में आक्रोश है। गिरिराज सिंह यहां से सांसद भी हैं। गिरिराज जी, अब तक अपराधियों के बारे में कोई पता पुलिस को नहीं चला, पुलिस यूं ही भटक रही है। पुलिस निस्सहाय दिख रही है। मुख्यमंत्री घोर निद्रा में सोए हैं और जनता भय से भयभीत है। यही स्थिति है बिहार और बेगूसराय की। हमें याद नहीं है, ये लोग सबसे पूछ लीजिए कि इतने साल के उम्र में आज तक कभी ऐसा घटना घटी है बेगूसराय, क्या पूरे बिहार में नहीं? हाँ, एक बार घटी थी 2013 में, पटना में, गांधी मैदान में सीरियल ब्लास्ट हुआ था नरेंद्र मोदी की हत्या के साजिश में। आज अपराधी उसी ढंग से बेखौफ है। नीतीश जी कहते हैं जनता का राज, क्या ये जनता का राज है कि खुलेआम गोली मार रहा लोगों को और लोग हांफ रहे हैं, सड़क पे मर रहे हैं? वो जंगल राज कहते थे पहले हम लोगों के साथ, अब उसकी परिभाषा बदल दिए हैं, क्योंकि जंगल राज कहेंगे तिनके मुखौटों को भी उतार देगा आरजेडी, इन्हें गद्दी का मोह है। आज वो कह रहे हैं जनता का राज है, थाने से अपराधी को पुलिस के हाथों से छुड़ा ली जाती है, निर्दोष लोगों को गोलियां मार दिया जाता है, और फिर भी कहते हैं जनता का राज है।
की परिभाषा बदल दिया है जंगल राज का। घटना के लिए कौन जिम्मेदार, कौन एक व्यक्ति? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार में नैतिकता होनी चाहिए, वो मुखौटा को उतारे और असली चेहरे में आवे। वो नीतीश कुमार जो कभी 2005 में लॉ एंड ऑर्डर के प्रतीक थे, वो नीतीश कुमार जो 94 में जंगल राज को छोड़ करके निकले थे, वो नीतीश कुमार जो जंगल राज कहते थे लेकिन सत्ता के मोह में मुख्यमंत्री कोई और है, मुखौटा ये और। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आपने सुना, सीधे सीधे नीतीश कुमार के ऊपर हमला बोलते हुए इस पूरे गोलीकांड के लिए वो नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराते हुए। बेगूसराय गोलीकांड मामले पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, जिस किसी ने इस घटना को अंजाम दिया है उसने सरकार को चुनौती दी है। उन्होंने बीजेपी पर भी हमला किया और कहा कि बीजेपी के लोग सत्ता से बाहर हुए हैं तो बोली की गोली चला रहे हैं, जल्दी पर्दाफाश हो जाएगा कि इस मामले के पीछे कौन लोग हैं। जिस तरह से हमारे विरोधी बीजेपी के लोग एक और अपराधी गोली कल चला रहे थे और बोली की गोली टीवियों पर मीडिया पर बीजेपी के नेता चला रहे थे, तो ये बोली की गोली चलाने वाले लोग का भी पर्दाफाश होगा कि ये बिहार को किस तरह सरकार को बदनाम करने का साजिश और षड्यंत्र रच रहे हैं। अभी पूरे मामले की जाँच हो रही है, इसके बाद इसका पूरा खुलासा होगा कि आखिर इस घटना के पीछे कौन लोग हैं। तो वार पलटवार लगातार जारी और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। 10 लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई, एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, 9 घायल। अभी तक पुलिस की गिरफ्त से कोई भी जो कातिल है वो बाहर है। अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां सांगली में साधुओं की पिटाई के मामले में जब एबीपी न्यूज ने खबर दिखाई तब सांगली के पुलिस महकमे की नींद खुली। अब सांगली में साधुओं से मारपीट मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग सांगली के लवंगे गांव के हैं जहां साधुओं पर हमला किया गया था। एबीपी न्यूज ने खबर दिखाई तो सांगली पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करते हुए ये बड़ी कार्रवाई की है। महाराष्ट्र के सांगली में जो कुछ हुआ वो हैरान करने वाला है। स्थानीय लोगों ने 4 साधुओं को पीट पीट कर बुरी तरह घायल कर दिया। स्थानीय लोगों को साधुओं पर बच्चा चोर होने का शक था। सवाल उठ रहा है कि क्या शक के बिना पर साधुओं की पिटाई और कानून को हाथ में लेना कहां तक जायज है। मिली जानकारी के मुताबिक भीड़ के शिकार चारों साधु यूपी के रहने वाले हैं। अपनी गाड़ी से पंढरपुर जा रहे थे, स्थानीय भाषा नहीं जानते थे। उत्तराखंड के नंबर प्लेट वाली इस गाड़ी में बैठकर चारों साधु पंढरपुर जा रहे थे। साधुओं की गाड़ी ज्यों ही लगौवे गांव पहुंची, लोगों ने गाड़ी को घेर लिया। लोगों ने साधुओं से पहचान पत्र की मांग की। गाड़ी में सवार साधुओं ने आधार कार्ड दिखाया लेकिन लोग संतुष्ट नहीं हुए। आधार कार्ड को नकली बताकर साधुओं की पिटाई शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने साधुओं को गाड़ी से बाहर निकाला और फिर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वहां मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की लेकिन गुस्साए लोगों ने किसी की एक नहीं सुनी। लोगों ने लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। भीड़ के सामने चारों साधु बेबस नजर आ रहे थे। एबीपी को मिली जानकारी के मुताबिक रास्ते से जाते वक्त स्थानीय लोगों से बातचीत हुई। एक दूसरे की स्थानीय भाषा नहीं समझ पाने के कारण मामला बिगड़ा और स्थानीय लोगों ने साधुओं की पिटाई कर दी। महाराष्ट्र में साधुओं पर हमले की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले 2020 में पालघर जिले के गढ़चिंचाली गांव में 2 साधुओं पर हमला हुआ था। भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। वो साधु भी कार में बैठकर अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सूरत जा रहे थे और अब सांगली के लगौवे गांव में साधुओं पर हमला। ये साधु भी अपनी गाड़ी में बैठकर पंढरपुर जा रहे थे। प्राथमिक उपचार के बाद पुलिस ने सभी साधुओं को पंढरपुर के लिए रवाना कर दिया।
सांगली की घटना सभ्य समाज पर बदनुमा धब्बा की तरह है। सवाल उठ रहा है कि आखिर कोई भीड़ इस तरह कैसे हिंसक हो सकती है। तो आपने देखा कि किस बेरहमी के साथ साधुओं की पिटाई की गई। साधुओं ने शिकायत दर्ज कराई, हालांकि प्राथमिक उपचार के बाद साधुओं को पंढरपुर रवाना कर दिया गया। ये दो तस्वीरें आपके सामने है। पालघर मामला आपको अच्छी तरह याद होगा, 16 अप्रैल 2020 का ये पूरा मामला, और अब 13 सितंबर 2022 बच्चा चोरी के मामले में शक के चलते हुए भीड़ ने साधुओं के साथ बदसलूकी की, मारपीट की। और हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले ने सियासी रंग ले लिया है। शिवसेना ने सांगली में साधुओं की पिटाई को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है। सुबह सुबह चार साधुओं की निर्मम पिटाई का जो मामला सामने आया है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम किस राज्य में रह रहे हैं, हम किस सरकार में हैं? ये सरकार एक तरफ कहती है कि हम हिंदूवादी हैं, हम हिंदुओं के संरक्षक हैं, और एक तरफ सांगली में हमारे संतों की भूमि पर साधुओं की पिटाई का मामला सामने आता है। कितने भाजपा के नेता वहां जाएंगे, कितने भाजपा के एमएलए वहां जाएंगे? देखिए, जब हमारी सरकार थी तब आरोप लगाना बहुत आसान होता था कि यह सरकार हिंदू विरोधी है, संतों की विरोधी है, साधुओं की विरोधी है। आज सांगली में जिस प्रकार हमारे चार साधु भाइयों की निर्मम पिटाई हुई है, उनकी हत्या करने की कोशिश की गई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, आरोपियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। यह महाराष्ट्र की भूमि, यह पावन भूमि, यह बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने सांगली की घटना की निंदा करते हुए कहा है कि सभी साधु संत हमारे लिए श्रद्धेय हैं। हमारे साथ भाजपा विधायक व प्रवक्ता राम कदम जी हैं। राम कदम जी, सांगली में एक बहुत घटना हुई दुखद, जिसमें साधु जो कि दर्शन के लिए पंढरपुर जा रहे थे उनके साथ बुरी तरह से मारपीट हुई, ग्रामीणों ने उनकी पिटाई की। ये बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना है, इसकी हम कड़ी से कड़ी निंदा और आलोचना करते हैं। पर केवल निंदा और आलोचना करके नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में जो वर्तमान सरकार है, ये साधु और संतों का सम्मान करने वाली सरकार है, वे हमारे लिए श्रद्धेय है। तो जो भी दोषी लोग हैं उन पर इतनी कठोर कार्रवाई होगी कि आने वाले भविष्य में कोई भी संत साधु महाराष्ट्र के किसी भी गली कोने से, गांव से, कस्बे से गुजरे तो उन पर हाथ उठाने का दुस्साहस भविष्य में कोई न करे। तो आपने देखा कि इस पूरे मामले पर सियासत भी जारी है, वार पलटवार भी चल रहा है। अगली खबर गोवा से, जहां कांग्रेस को आज बड़ा झटका लगा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माइकल लोबो समेत कांग्रेस के 8 विधायक को मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल कराया गया। यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब कांग्रेस देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। भारत जोड़ो यात्रा के 8वें दिन राहुल गांधी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। राहुल गांधी आज भारत जोड़ो यात्रा के तहत केरल पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ गोवा में उनके अपने ही लोगों ने पार्टी से किनारा कर लिया। गोवा में कांग्रेस के आज 11 में से 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। अब राज्य की बीजेपी सरकार और मजबूत हो गई है। इन 8 विधायकों को गोवा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेत तनवड़े ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी में जो कांग्रेस के विधायक शामिल हुए हैं वो हैं दिगंबर कामत, माइकल लोबो, देलीलाह लोबो, राजेश फलदेसाई, केदार नाइक, संकल्प अमोलकर, एलेक्सियो सेकियेरा, रुडोल्फ फर्नांडिस। इस मौके पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि कांग्रेस के छोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की थी, मुझे लगता है गोवा से कांग्रेस छोड़ो यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह से पूरे देश भर में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सभी लोग कांग्रेस को थोड़े थोड़े छोड़ रहे थे, अभी लमसम में छोड़ रहे हैं। इसी तरह से पूरे सभी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी या बाकी जो राष्ट्र हित वाली पार्टी को जुड़ेंगे। निश्चित रहते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आने 2024 के इलेक्शन में बड़ी जीत ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को मिलेगी। गोवा कांग्रेस में फूट के लक्षण इस साल जुलाई में ही दिख गए थे। जुलाई में कांग्रेस ने पार्टी विरोधी साजिश में शामिल होने का आरोप लगाकर दिगंबर कामत और माइकल लोगो पर कार्रवाई की थी।
उस वक्त कांग्रेस ने टूट से बचने के लिए अपने 5 विधायकों को चेन्नई शिफ्ट कर दिया था। दरअसल गोवा में 40 विधानसभा सीटें हैं और इस साल फरवरी महीने में चुनाव हुए थे। उस वक्त राज्य में बीजेपी के गठबंधन के पास 25 विधायक थे और कांग्रेस के पास 11 विधायक थे, लेकिन अब कांग्रेस के टूटने के बाद बीजेपी गठबंधन के 33 विधायक हो गए हैं, यानी उनकी सरकार अब बहुत मजबूत हो गई है। कांग्रेस की दयनीय स्थिति का इस बात से पता चलता है कि फरवरी महीने में गोवा कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि गोवा फॉरवर्ड पार्टी गठबंधन के सभी 40 उम्मीदवार एकजुट और वफादार रहने के लिए हैशटैग प्लेज ऑफ लॉयल्टी लेते हैं। ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि गोवा की पहचान को बेचने वाले किसी भी गतिविधि का कभी समर्थन नहीं करेंगे या ऐसी गतिविधि में भाग नहीं लेंगे, लेकिन 6 महीने में ही ये प्रतिज्ञा टूट गई। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाकर किसी भी तरह सत्ता में बने रहना है तो शायद जैसा इन लोगों ने किया वैसा होता है, लेकिन कहीं तो विचारधारा भी साबित करनी होती है और हमारी और भाजपा की विचारधारा में जमीन और आसमान का, दिन और रात का अंतर है। तो कैसे सहज हो जाते हैं ये लोग वहां जाकर ही अपने आप में सवाल। अब देखना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में देश भर में 150 दिन की 3,750 किलोमीटर की निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा कितनी कारगर साबित होती है। ये यात्रा देश के 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। एक तो गोवा में कांग्रेस को इतना बड़ा झटका लगा, उधर कांग्रेस छोड़ने वाले गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोल दिया है। एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजाद ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी का गेस्ट अपीयरेंस है। आप साल में एक यात्रा करो और फिर 6 महीने आप 2 साल तक घर किसी से मिलो नहीं, किसी लीडर से नहीं मिलो, सुबह शाम वर्किंग कमेटी से नहीं मिलो, MP से मिलो, इट्स नॉट विजिबल। विजिबल वॉज इंदिरा गांधी। जैसे अभी जो इन लोग भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं विजिबल, उसमें विजिबल है कि नहीं है ये? वो होता है गेस्ट अपीयरेंस, कभी बीच में आए। तो गुलाम नबी आजाद को आपने सुना। इसी बीच एससीओ मीटिंग में जाने से पहले पाकिस्तान नए नए पैंतरे चल रहा है। इस बीच बड़ी खबर हमें मिल रही है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC से, जहां भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। UNHRC की बैठक में भारत ने कहा कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान का भारतीय लोगों के मानवाधिकार की चिंता जताना सिर्फ और सिर्फ छलावा है। पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। तो भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, पाकिस्तान मानवाधिकार पर बात नहीं करे तो बेहतर होगा। सबसे ज्यादा आतंकवादियों को पनाह पाकिस्तान देता है। मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है प्रणय कि अगर इस तरीके से पाकिस्तान हर मामले में दखलंदाजी करेगा तो भारत इसी तरीके से मुंहतोड़ जवाब देगा। और सच भी है, जो देश आतंकवाद को पनाह देता हो वो हमारे देश के मानवाधिकारों की चिंता कर रहा है। बिल्कुल शोभना, जिनेवा के अंदर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक के अंदर पाकिस्तान की तरफ से आरोप लगाए गए थे। आरोप लगाए गए थे कश्मीर को लेकर, बहुत सारी बातें कही गई थी, उसी का जवाब भारत की तरफ से राइट टू रिप्लाई में दिया गया है। भारत के जिनेवा मिशन के में जो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं पवन कुमार बढ़े, उनकी तरफ से बैठक के अंदर कहा गया कि पाकिस्तान का छलावा साफ तौर पर सामने आता है, क्योंकि वो देश जो सबसे ज़्यादा दुनिया में प्रोक्लेम्ड जो प्रोस्क्राइब्ड आतंकी हैं उनको पनाह देने वाला देश, जिसके यहाँ सबसे ज़्यादा UN सैंक्शन लिस्ट के आतंकी रहते हों, जो आतंकी फैक्ट्री चलाता हो, वो अगर भारत के बारे में मानवाधिकार को लेकर चिंता करे, जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देता हो वो मानवाधिकार की चिंता करे, तो इससे ज्यादा बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। पाकिस्तान का की सबसे बड़ी मानवाधिकार को देन ही ये हो सकती है कि वो आतंक की फैक्ट्री चलाना बंद कर दे। ये भारत की तरफ से कहा गया है और ये बयान ऐसे समय में आया है जब अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई। मसूद अजहर जैसे आतंकी को अफगानिस्तान में बताते हुए अफगानिस्तान को चिट्ठी लिख दी गई, लेकिन सवाल तो इस चीज को लेकर भी है शोभना कि आखिर मसूद अजहर पाकिस्तान से भागकर अफगानिस्तान कैसे पहुंचा? इसका कोई जवाब पाकिस्तान की तरफ से फिलहाल नहीं दिया गया है। और हाफिज सईद अब भी पाकिस्तान में, वो तमाम आतंकी जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उन पर कार्रवाई अगर पाकिस्तान करे तो ये ज्यादा बड़ी चीज होगी। तो निश्चित रूप से भारत की तरफ से ये जवाब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भी दिया गया है और हर मंच पर ये दिया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय इस पूरी जानकारी के लिए। दुनिया देखेगी इंडियन पावर, जहां से निकलेगा वर्ल्ड लीडर। रूस, चीन, पाकिस्तान, जय हिंद बोलेगा सारा जहान। वर्ल्ड डिप्लोमेसी जिसकी मुट्ठी में बंद है, ये वही समरकंद है।
सबसे पहले सबसे तेज SEO समिट की मिनट टू मिनट कवरेज। मैं अभिषेक उपाध्याय ABP न्यूज पर। तो SEO की मेजबानी के लिए समरकंद पूरी तरह तैयार। और इसी बीच कोविड के बाद पहली बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन से बाहर निकले हैं और वो फिलहाल कजाकिस्तान के लिए निकल चुके हैं। कजाकिस्तान से वो SEO बैठक के लिए उज्बेकिस्तान जाएंगे। और हम आपको बता दें कि SEO की बैठक होनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें हिस्सा लेंगे। 2 साल में पहली बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बाहर निकले हैं। कोविड के बाद ये पहला दौरा शी जिनपिंग का चाइना के बाहर, कजाकिस्तान के लिए निकले हुए हैं और कजाकिस्तान से वो SEO बैठक में हिस्सा लेने के लिए उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। व्लादिमीर पुतिन भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। शंघाई सहयोग संगठन यानी SEO की 18वीं शिखर बैठक के लिए उज्बेकिस्तान का ऐतिहासिक शहर समरकंद पूरी तरह तैयार हो चुका है। कल और परसों ये बैठक हो रही है। इस बैठक में पहला मौका होगा जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी बड़ी बहुराष्ट्रीय बैठक के मंच पर नजर आएंगे। विश्व राजनीति के लिहाज से ये जमावड़ा खासा अहम माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां दुनिया की करीब आधी आबादी की नुमाइंदगी करने वाले नेता मौजूद होंगे, तो वहीं चीन, रूस, ईरान जैसे धुर अमेरिका विरोधी नेता भी एक साथ एक ही मंच पर मौजूद होंगे। समरकंद में लगातार VIP मूवमेंट हो रहे हैं और उसका नतीजा ये है कि समरकंद घरों में कैद हो गया है। सड़कें सुनसान दिखाई दे रही हैं। मंगोलिया के राष्ट्रपति यहां पर पहुंच चुके हैं, ईरान के राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उनको आ जाना है। लगातार यहां पर हम VIP मूवमेंट देख रहे हैं। सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को परमिशन है जिनके ऊपर, देखिए ये गाड़ी आ रही है, इसको यहाँ पर रोक लिया गया है। इस तरह से यहाँ पर बाकायदा पूछताछ और छानबीन चल रही है। अगर कहीं भी ये संदेह होता है कि कोई भी ऐसा मूवमेंट हो रहा है जो कि प्रोटोकॉल के दायरे के तहत नहीं है, तो फिर ज़रूरी पूछताछ की जाती है। समरकंद का जो एयरपोर्ट है वो बंद किया जा चुका है, समरकंद आने के सारे रास्ते बंद किए जा चुके हैं। आज की तारीख में सिर्फ वही समरकंद में एंट्री कर सकता है जिसके पास स्पेशल परमिशन होगी, और किसी को यहाँ पर इजाज़त नहीं है। समरकंद का जो कांग्रेस सेंटर है जहाँ पर SEO समिट होनी है, वहीं पर स्पेशल इंतज़ाम किए गए हैं। वहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री, चीन के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति और ईरान के राष्ट्रपति भी उसी क्षेत्र में रुकेंगे। बाकी और जो हेड ऑफ स्टेट आ रहे हैं उनके लिए अलग अलग यहाँ पर 5-स्टार होटलों में इंतज़ाम किए गए हैं। तो पूरे समरकंद को इस समय अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है और वही सूरत यहां पर दिखाई दे रही है। कैमरा मनोज कुमार के साथ अभिषेक उपाध्याय, ABP न्यूज समरकंद। तो जैसा कि अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि पूरा जो शहर है समरकंद का वो सजकर तैयार है। पहली बार जो अमेरिकी विरोधी देश एक मंच पर नजर आएंगे SEO के 18वीं शिखर बैठक के लिए। उज्बेकिस्तान का जो ऐतिहासिक शहर है उससे लगातार तस्वीरें हमें अभिषेक भेज रहे हैं। ये आप देखिए कुछ और तस्वीरें और एक रिपोर्ट हमारी। समरकंद आए हुए मुझे तीसरा दिन है, लेकिन आज के ये समरकंद की तस्वीर है। ये पिछले दिनों की तुलना में एकदम बदला हुआ समरकंद दिखाई पड़ रहा है, और उसकी वजह ये है कि राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। आप अभी इस समरकंद को देखेंगे तो सुनसान सड़कें दिखाई पड़ेंगी, और जो यहाँ पर मूवमेंट हो रहे हैं वो ज़रूरी है उसके लिए कि आपको देखिए, जैसे कि हमारी इस बस के आगे एक स्पेशल वाहन चल रहा है और इसके चलते हम यहाँ पर मूव कर पा रहे हैं, क्योंकि इस समय मूवमेंट आसान नहीं है। और रास्ते में आप जगह जगह देखेंगे, आपको सुरक्षा बल दिखाई देंगे। और ये जिस तरह का VIP यहाँ पर जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं उसके चलते हुए इस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं। कहीं भी सड़क पर हमें कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, लोग अपने घरों में हैं। और 15 और 16 ये दो तारीखें हैं। 15 तारीख को तमाम द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी, 16 तारीख को SEO समिट है, जिस SEO समिट के लिए राष्ट्राध्यक्षों के पहुँचने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। और अभी हम जैसे जैसे यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, इस समरकंद में जो ख़ास जगहें हैं, जैसे कि अमीर तैमूर का मकबरा है, अमीर तैमूर की प्रतिमा है, उलुग बेग का मकबरा है, और साथ में जो तैमूर के वंश से जुड़ी हुई जो यहाँ पर विशिष्ट इमारतें हैं, जहाँ पर आम दिनों में पर्यटक आया करते थे, जहाँ पर
लोग इकट्ठा होते थे वो सब जगहें सुनसान पड़ी हैं और उसकी वजह यही है। और आपको ये झंडे दिखाई पड़ेंगे, ये जो तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एक तरफ से झंडे लगे हुए हैं, इस समय SCO समिट का भी झंडा दिखाई दे रहा है, उन देशों के झंडे दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पर इस समिट में हिस्सा लेने वाले हैं। तिरंगा आपको दिख रहा है सामने, देखिए भारत की शान तिरंगा यहाँ पर लहरा रहा है। तो और हम सामने समरकंद 2022 लिखा हुआ है, इस तरह से इस शहर को खूबसूरती से सजाया गया है। तो ये है आज के समरकंद की तस्वीर, और जैसे जैसे अब वक्त बीतेगा वैसे ही इस समरकंद में और भी अधिक VIP मूवमेंट हमको दिखाई देगा। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ अभिषेक उपाध्याय, ABP न्यूज़ समरकंद। समरकंद पूरी तरह से तैयार है SCO बैठक के लिए। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उज्बेकिस्तान में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। SCO शिखर सम्मेलन के लिए समरकंद में आए पर्यटकों के बीच PM मोदी का क्रेज जबरदस्त है। अभिषेक उपाध्याय की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में SCO समिट लगातार करीब आती जा रही है। आप देख सकते हैं ये उलुगबेग की तस्वीर है। उलुगबेग यानी कि यहाँ का एक जो महान सुल्तान माना जाता है, अमीर तैमूर का पोता, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, ये उसकी तस्वीर हम यहाँ नज़र आ रही है। और बड़ी बात यह, यहाँ हमें कुछ पर्यटक मिल रहे हैं जो जिनके जहन में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उत्सुकता है। जिनसे हमने बात की तो वो बड़े उत्साहित थे कि PM मोदी यहाँ आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सो यू आर सेइंग समथिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी। ओह यस, आई वांट टू से इट्स ऑनर फॉर अस टू बी एबल टू रिसीव सच अ हाईली रिस्पेक्टेड गेस्ट्स लाइक नरेंद्र मोदी। हाउ डू यू असेस इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन इन दिस समिट, contribution of India in this summit, SCO summit? Well, I think India has a lot of contributions. Contributions for the technology and, well, for his culture. It is very important as ever culture, different culture of us in the world. You also think that India is as emerging world power? Yes. India is now becoming one of the world's leading nations. So the that's the truth. Yes, I do agree with that. थैंक यू। तो ये देखिए यहाँ पर SCO समिट के मौके पर हम समरकंद में हैं। यहाँ जो आए हुए हैं पर्यटक और उनके साथ में जो स्थानीय यहाँ पर हैं, ये सब बातें कर रहे हैं, भारत के बारे में बातें कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बातें कर रहे हैं। ये भारत की छाप है जो हमको समरकंद में नज़र आ रही है। और मनोज कुमार के साथ अभिषेक उपाध्याय, ABP न्यूज़ समरकंद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट TV पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।